गाइस कैसे हो। मेरा नाम है निंजू, आप लोग देख रहे हैं निंजू गेमर्स। तो फिर हम लोग अभी खेलने वाले हैं जेंशन इंपैक्ट एंड अभी हम लोग पोल करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरे कैरेक्टर्स आप लोग को दिखा देता हूँ। एंड मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये गेम स्टार्ट किए फिलहाल, एंड मैं 70 लेवल पे पहुंच चुका हूँ लॉल। तो फिलहाल के लिए पोल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर बेंजामिन से हम लोग कुछ भी परचेस कर सकते हैं, मतलब ये परचेस करेंगे फिर उसके बाद विश कर सकते हैं एंड इसमें देखते हैं। ओ भाई 3 विश कर सकते हैं हम लोग, तो चलो तीनों विश वेस्ट कर देते हैं मजाक का। चलो विश पे क्लिक करते हैं एंड क्या निकलेगा भाई। आंखें बंद है मेरी, ठीक है, आप लोग बताना मुझे। ओ भाई शॉर्ट निकली छी भाई, इस बार एटलीस्ट 4 स्टार निकलना चाहिए, नहीं तो मैं ये गेम अनइंस्टॉल कर दूंगा। क्या 38 रैंक का मैं, मजाक नहीं है भाई। 4 स्टार के लिए एक 4 स्टार वेपन मिल चुका है। एंड मैं ये फेंक रहा हूँ, जा पहाड़ में जा, तूने वह साथ दिया बट ठीक है जाने दो, पहाड़ में जाना। तो चलो देखते हैं इसको सेंड करने के लिए क्या चाहिए। फिलहाल के लिए तो हम लोग पहले इसको लेवल अप कर लेते हैं। तो ये 20 लेवल का हो चुका है एंड हम लोग इसको असाइन करते हैं अभी। ओके, तो मेरे को थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, पर क्यों ना ग्राइंड करने से पहले वंडरर के लिए ट्राई कर ले, क्या पता वंडरर मिल जाए हमें। वो भाई आंखें बंद है, ठीक है अबे यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लोग चल के अभी ग्राइंड करते। तो हमें यहाँ पर जाना है, चलो टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ओके, क्या सुबह लग रही है भाई, एकदम सुंदर सी। तो ये 59 लेवल के चिंदी कैरेक्टर से हम लोग को फाइट करनी है, काश 70 लेवल के होते तो कुछ ज्यादा अच्छा मिलता शायद से। मजा कर रहा था, 2-3 दिन से ये गेम खेली भी नहीं थी मैंने तो। अरे एक्चुअली मैं 37 पे हूँ, बाद में 38 हो जाऊंगा शायद से, मुझे याद नहीं है। तो ये जो जिंगा लाला हु वाला कैरेक्टर है इसको पहले मारना पड़ता है, नहीं तो फिर ये बारिश करवा के हम लोग को वो कर देता है फ्रीज। ये देखो ऐसे बारिश कर देता है वो, फिर उसके बाद हम लोग फ्रीज हो जाते हैं, हिल नहीं पाते हैं तो ब्रेक करना पड़ता है, वो बोर होता है फिर। वैसे मुझे अल्टी यूज करनी नहीं है बट ठीक है, आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो कूल सी अल्टी, वैसे हमें 1 मिनट के अंदर में करना था बट 1 मिनट 11 सेकंड लग गया, देखने मत लग जाना, आधी फाइट स्किप कर दी मैंने। तो चलो ये पेड़ से क्लेम कर लेते हैं भाई, ये पेड़ से क्यों क्लेम करना पड़ता है पता नहीं। ओके, तो जितना चाहिए था उतना मिल चुका है, तो चलो पहले फिलहाल के लिए तो हम लोग इसको 40 लेवल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या मटेरियल चाहिए। इसको मैक्स टू मैक्स हम लोग को 70 लेवल तक लेके जाना है, चाहे कुछ भी रिसोर्सेस वगैरह लगे उसमें तो मजा आएगा। तो चलो लेवल अप करते हैं वेपन्स में जाके एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको असेंड कर देते हैं फाइनली भाई। ओके, मैक्स कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40 लेवल का वेपन। एंड वो भाई कर सकते हैं 50 भी कर देते हैं, तो चलो 50 लेवल इसको मैक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या क्या मटेरियल चाहिए। भाई क्या गंदा दिन है, मोरा कम पड़ गया, तो चलो पहले मोरा, अरे हाँ सामने ही है, पहले इसको मार लेते हैं इन लोग को। ये चलो ये जो येलो कलर का बॉल दिख रहा है इससे हम लोग को मोरा मिलता है, जो ब्लू कलर का होता है उससे किताबें मिलती हैं, ठीक है याद रखना अगर खेलना चाहो तो, या फिर खेल रहे हो तो ठीक है अच्छी बात है। ओके, तो अभी हम लोग ने फायर एबिलिटी ले ली है, मतलब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब क्लेम करते तो ज्यादा डैमेज देता है एंड आप लोग देख सकते हैं 3-4 हजार का डैमेज पड़ रहा है, मतलब नॉर्मली इसका 1800 से कुछ डैमेज जाता है बट 4-5 हजार डैमेज जाता है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डैमेज जाएगा। मैक्स टू मैक्स मैंने 14,000 डैमेज देखा। ओके, तो हमें मोरा मिल चुका है, तो चलो अपग्रेड कर लेते हैं एंड वेपन्स में स्विच नहीं स्विच। ओके, तो इनहांस एंड अभी हम लोग डाल देते हैं जितना चाहिए ये। ओके, तो फिर हम लोग कर लेते हैं इनहांस। यो 50 लेवल का हो चुका है ये, पहले ही इसका डैमेज पड़ चुका है बट ओके, तो फिर अभी हम लोग को ये सब क्लेम करना पड़ेगा। तो गाइस फिलहाल के लिए मेरे को एक आइडिया आया, हम लोग शैड एक्सचेंज से देखते हैं कितना हो सकता है, 7 हो सकते हैं ठीक है, तो ज्यादा की जरूरत नहीं है, फिर जो 70 लेवल करना होगा वो देखेंगे हम लोग। 4 चाहिए फिलहाल के लिए, तो 4 ही कर लेते हैं एंड आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने इसको कर दिया है 60 लेवल, मतलब 60 कर रहा हूँ अभी भाई, फिर से मोरा कम पड़ गया। ओके, तो फिर अब हम लोग आ चुके हैं ये येलो बॉल के इधर, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है फाइट। ओ भाई इसको मारने का है, तो चलो मारते हैं फिर। वैसे इसको मार के वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं ये जो भी है, मतलब क्या बॉक्स वॉक्स। चल बेटा तेरा मारने का समय आ चुका है, मजाक कर रहा था। ओके, तो फिर अरे भाई दूसरे कैरेक्टर्स मेरे लड़ ही नहीं सकते भाई, खाली अर्कलिनो ही लड़ती बैठेगी क्या हमेशा, दूसरे कैरेक्टर्स को भी मैक्स करना पड़ेगा यार, बट कर
करेंगे, कंटेंट निकालेंगे तब करेंगे। ओके तो फिर इसको भी मार दिया हम लोग ने। चलो फाइनली मोरा मिल चुका है यार, 1-2 लाख मोरा मिलना चाहिए ना, तो फिर मजा भी है। ओके मेरे वेपन, आर यू रेडी टू अपग्रेड? एक सेकेंड यार, ये तो 50 लेवल हो चुका है ना, एंड 50 लेवल पे ये 300 डैमेज दे रहा है। आप लोग देख सकते हो 3 स्टार और 4 स्टार के बीच में डिफरेंस, मतलब वो 60 लेवल पे होके भी कुछ 200-250 कुछ डैमेज दे रहा है, एंड ये अभी 60 लेवल का होगा तो फिर कितना डैमेज देगा देखते चलो। भाई लगभग 100 डैमेज का डिफरेंस है, एंड अगर 5 स्टार होता ये तो फिर 200-300 डैमेज का डिफरेंस होता भाई साहब। ये देखो 361 एंड ये है 234, मतलब 130 डैमेज का डिफरेंस है। ओके तो फिर हम लोग को इस वेपन को कम से कम 70 लेवल तो करना ही है। अभी 1-2 रैंक और अप होके फिर हम लोग इसको 80 लेवल कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए तो हम लोग इसको 70 कर लेते हैं ये वाली वीडियो में, उसको तो करते हैं, बट पहले आप लोग को आर्टिफैक्ट्स दिखा देता हूँ। इसका आर्टिफैक्ट्स है एक ये है, एक आप लोग देख सकते हैं, ये 3500 हेल्थ, ये 311 अटैक, एंड ये सब पूरा मिला के मेरा सिर्फ अटैक का ही है पूरा सेट लॉल। एंड अभी हम लोग 2K डैमेज से सिर्फ 1 डैमेज पीछे हैं, तो चलो फटाक से इसको 70 लेवल करते हैं, हमारा 2K डैमेज का सपना पूरा करते हैं। पहले हम लोग को मोरा कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारा, क्योंकि अभी वैसे तो 60,000 कुछ लगा, एंड अभी हम लोग को कम से कम 1 लाख मोरा लग सकता है। एंड भाई साहब देखो क्या कड़क डैमेज दे रहा है भाई, एक पटके में गया वो तो। हम लोग फिर से आ चुके हैं इस येलो बॉल के सामने, एंड अभी आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैक्स है इसका, ये जो रेड कलर का बार दिख रहा होगा आप लोग को। भाई साहब क्या डैमेज दे रही है वो भाई, 3500। अभी और करूंगा तो फिर, अरे यार तेरी भैंस की, रुको जब ये ब्लिंक हो जाता है ना तो फिर, हाँ अभी ब्लिंक हो गया तो फिर आप लोग देखो फुल मैक्स हो गया। भाई साहब क्या डैमेज देगी, ओ भाई मैंने कैरेक्टर चेंज, अरे हाँ मैंने अल्ट मार दिया लॉल, मेरा ध्यान ही नहीं गया था मैंने अल्ट मार दिया था। ओके तो फिर अभी हम लोग ने वैसे भी उसे मार ही दिया है, तो या हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं हमें और क्या चाहिए। हम लोग ने मोरा कलेक्ट कर लिया है, एंड आप लोग को बताना चाहूंगा कि भाई साहब कि जो इसके आर्टिफैक्ट्स हैं, एंड उसके बाद एक और चीज होती है जिससे जिसको हम लोग को लेवल अप करना होता है, तो उससे हम लोग का डैमेज बढ़ जाता है। हाँ याद है उसको टैलेंट्स बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग टैलेंट्स में नहीं जा रहे, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए। ओके तो हम लोग को यहाँ पर ग्राइंड करना है, एंड इसके लिए भी बहुत सारा ग्राइंड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए भाई सब 3 ही मिल रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो तो हम लोग जो स्पेशल डोर्स वगैरह होते हैं उससे कलेक्ट कर लेंगे, पहले इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग को जाना है अलग अलग जगहों, एंड मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर हम लोग पहले कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। एक को तो मार के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग पता चल जाएगा कि क्या करना है। इसको नहीं मार के मिलेगा, ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए है। वो भाई 2 फटके में चली गया। वैसे यहाँ पर चेस्ट दिख रही है, तो चलो पहले ये आंटी को मार देते हैं, इससे चेस्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद जाते आगे। ओके यो चलो, हेलो आंटी कैसे हो भाई, आंटी भी डर गई होगी कौन आ गया भाई। चलो पहले इसका सामान कलेक्ट कर लेते, क्या देती है? ओके मिस्ट ग्लास वगैरह देती है, ठीक है चलो। एग्जीक्यूट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। ओके तो हम लोग को यहाँ से उड़ के जाना है, एंड आप लोग देख सकते हैं वो लंबा सा सांड है जो मशीन जैसा है, उसको मारने का है, फिर उसके बाद हमें मिलेगा। एंड पहले मैं बता दूं आप लोग को, मेरे को वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो जो ब्लैक कलर का जो भी ये देता है उससे ही वो बॉक्स बनता है, मुझे थोड़ा बाद में रियलाइज हुआ था। तो हाँ मैं ये बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, एंड आप लोग देख सकते हो भाई इसको कितना कड़क डैमेज पड़ रहा है, वो भाई 10 स्पीड में बढ़ गया ही। वैसे वो जो 3 स्टार स्टॉट जो भी था वेपन था उससे ये इतना जल्दी नहीं मरता था, इससे बहुत फास्ट मर गया। तो चलो मैं सारी सामग्री कलेक्ट करके मिलता, तो मैंने बहुत सारे बॉसेस को मारा था, फिर उसके बाद मेरा थोड़ा दिमाग चला कि क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं यहाँ पर क्या हम लोग को वो बॉक्स मिलता है। तो 6 सर्किट, यस वी कैन बिल्ड दिस, एंड हम लोग ने पूरा बना दिया है, एंड शायद से अभी हम लोग का ये इनफ, शायद से नहीं कन्फर्म ही है क्योंकि बहुत सारे ग्राइंड किए मैंने। एंड हाँ वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि मैं रैंक 38 पहुंच चुका हूँ, तो सही में मैं पहुंच चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो ये मैंने सारा सम्मान क्लेम कर दिया आपके सामने। तो गाइस आर यू रेडी फॉर रैंक 70 वेपन, मतलब रैंक 70 की बोल रहा हूँ मैं, लेवल 70 वेपन। तो पहले हम लोग को ये शिट भूल गया मैं। ओके तो मैंने बहुत सारे क्लेम कर लिए हैं, लेकिन मुझे एक चाहिए, मतलब 2 क्लेम कर लिए हैं सॉरी, सिल्वर वाले, ब्लैक वाले बहुत सारे क्लेम किए थे,
एंड अभी चलो हम लोग एक फाइट और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा पूरा मटेरियल हो जाएगा। एंड ये वैसे कुकी को मुझे अपग्रेड करना है, बट फिलहाल के लिए मैं मोना को कर रहा हूँ क्योंकि वो 5 स्टार है एंड कुकी कम डैमेज देगी ऑफ कोर्स। फिर शायद से कुकी ज्यादा अच्छे से डैमेज देगी, आई डोंट नो, मुझे 5 स्टार कैरेक्टर पे भरोसा है तो मैं 5 स्टार कैरेक्टर को ही अपग्रेड करूंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं काया पे वेस्ट कर चुका अपना सारा मटेरियल। तो मैंने इस जिंगल एलोहू को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं आप लोग को दिखाना चाहता था ये ऐसे बबल बनाता है, हम लोग को टाइम वेस्ट करता है। तो अभी टाइम आ चुका है अल्टी मारने का एंड अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ अल्टी। यो एंड आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट 6 सेकंड्स लगे हमें, बट एक्चुअली ये 1 मिनट के अंदर में हो जाता अगर मैं टाइम पास नहीं करता। यू गाइस रेडी फॉर 70 लेवल वेपन? तो चलो इसको अपग्रेड कर ही देते हैं। भाई 30,000 पॉइंट्स लग गए इसको अपग्रेड करने में, लॉल। एंड गाइस दिस हैपेंड अगेन, मुझे कॉइन्स की कमी हो, तो चलो इन लोग की वाट लगाते हैं। एंड अभी यहाँ पर हम लोग, भाई साहब डैमेज आप लोग देख सकते हैं कितना कम हो रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन जब मैं वो क्लेम करूंगा पावर तो आप लोग देखो क्या डैमेज हो रहा है। भाई सब हवे में उड़ गया ऐसे लग रहा है। ओ भाई मेरे को क्यों मार रहा है तेरी भैंस की? ओके तो फिर ये तो आ चुके, भाई इन लोग को मारने में टाइम पास हो जाएगा। एक्चुअली इसको मारना डिफिकल्ट नहीं होता, बट जो इसका आर्मर होता है ना उसको तोड़ना डिफिकल्ट है फिलहाल के लिए मेरे लिए, मतलब मैं भी कैरेक्टर यूज करता हूँ इसलिए। ओके तो सब क्लेम कर लेते। ओके तो चलो, आर यू गाइस रेडी फॉर 70 लेवल वेपन? तो यस हम लोग फाइनली लेवल को नहीं वेपन को लेवल कर सकते हैं। अब पता नहीं मैं 70 लेवल वेपन की वजह से बौखला गया हूँ लगता। तो फाइनली गाइस अभी हो चुका है 429 एंड आप लोग को दिखा रहा हूँ मेरा एट्रीब्यूट्स में, ओ भाई 2178 डैमेज हो चुका है फाइनली। तो आप लोग के लिए मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं शायद से इस वेपन को 80 लेवल तक पहुंचा दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।